एक खबर है जहां पर एलडीए पर करीब 21 करोड़ का हाउस टैक्स, नगर निगम ने 21 करोड़ का हाउस टैक्स निकाला है। नगर निगम ने मांगे अपने हाउस टैक्स के रुपए और नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने की मुलाकात। एलडीए के सचिव से इस संबंध में मुलाकात की। अधिकारियों ने हाउस टैक्स भर देने की अपील भी इस दौरान की है। तो एलडीए पर करीब 21 करोड़ का टैक्स और नगर निगम ने 21 करोड़ का टैक्स निकाला और नगर निगम ने मांगे अपने हाउस टैक्स के रूप में, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने पैसे मांगे। आपको बता दें एलडीए पर करीब 21 करोड़ का टैक्स है और नगर निगम ने 21 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स निकाला है। नगर निगम ने मांगे अपने हाउस टैक्स के रूप में और नगर निगम के अपर नगर आयुक्त से मुलाकात इस दौरान की गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहां पर अधिकारियों ने हाउस टैक्स भर देने की भी अपील की है। तो एलडीए पर करीब 21 करोड़ रुपए का टैक्स है, नगर निगम ने 21 करोड़ का हाउस टैक्स निकाला और नगर निगम ने मांगे अपने हाउस टैक्स के रुपए, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ने मुलाकात भी की है और अधिकारियों ने हाउस टैक्स भर देने की अपील भी इस दौरान की है। तो नगर निगम ने 21 करोड़ का हाउस टैक्स निकाला है और नगर निगम ने मांगे अपने हाउस टैक्स के रुपए। सीमा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीमा, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो बिल्डिंगें हैं नगर निगम के विभिन्न जोन में, वहां पर लगभग 21 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स बकाया है। अभी फिलहाल जो अपर नगर आयुक्त हैं अमित कुमार और अशोक सिंह मुख्य कर अधिकारी, वो दोनों जो है एलडीए गए थे और वहां पर उन्होंने एलडीए सचिव पवन गंगवार से जो है वो मुलाकात की थी और इस विषय पर चर्चा की थी। इसके बाद भी कोई इस मामले का हल नहीं निकल सका है और लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है वो पैसा पूरा देने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अगर बात नहीं बनती है तो जाहिर है कि जो एलडीए की बिल्डिंग है तमाम, उनको सील करने के निर्देश दिए जाएंगे और उन बिल्डिंगों को नगर निगम सील भी कर सकता है। मनीष, बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा,